हम इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएं, योगी वही बन सकते हैं। चार पिलर, पहला उसमें ब्रह्मचर्य लिखा है, या हम कहेंगे जिसके पास पवित्रता का बल हो। दूसरा पिलर, जो स्वमानधारी हो। तीसरा, जो आत्मिक दृष्टि का बहुत अच्छा अभ्यास करते हो। और चौथा, जिनके पास ज्ञान का बहुत बल हो। ज्ञान का बल जैसे योग का बल है, जैसे ज्ञान हमारे लिए लाइफ है, वैसे ही योग बहुत, ज्ञान बहुत बड़ा बल भी है। मैं सभी भाई बहनों से कहूंगा, जिनकी घरों में गीता पाठशालाएं हैं या जो टीचर हैं, सभी भाई बहनों से काम कराएंगे अपने लिए ज्ञान के पावरफुल 25 पॉइंट सबको लिख कर रखने हैं, भले 50 दिन में लिखना। 25 बहुत शक्तिशाली ज्ञान के पॉइंट कैसे हों वो, जो हमें एकदम याद करते हल्का करते हैं। हमारे ऊपर बहुत बड़ी परिस्थिति आ गई, आप उन 25 पॉइंट्स को पढ़ लो, चित्त शांत हो जाए। आप किसी बात से बहुत परेशान हो गए, आप ये सोचने लगे पता क्या होगा, वो पॉइंट पढ़ लो, मन हल्का हो जाए। कभी व्यर्थ संकल्प बहुत चल रहे हैं, वो पॉइंट पढ़ लो, बेफिक्र बात समझ जाए। ऐसी बाबा की 25 पॉइंट सुंदर बातें सभी को अलग अलग लिख के रखनी है, निधान सबको करना है। बोलो करेंगे। ये होगा ज्ञान का बहुत बड़ा बल, इसकी बहुत जरूरत होगी। मैंने कल भी आपको एक चीज बताई, गीता लैब में भी कराई, सभी आत्माओं का अब कर्मों का हिसाब किताब कौन होना है, किसी का किसी तरह उसे हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। ये पॉइंट है, बहुत सुंदर पॉइंट है। दूसरी, मन के सारे बोझ मुझे दे दो। तो क्या कहा बाबा ने, कल भी आप सुन चुके हैं, जो बाप सारे संसार के बोझ उठाने वाला है, क्या वो अपने बच्चों का बोझ नहीं उठाएगा। सोच लो, याद आते ही पढ़ते ही मन हल्का हो जाएगा, ले जाओ सब बोझ। तीसरी बात जिसका मैंने बहुत यूज किया जीवन, तुम तो केवल मेरी याद में मगन रहो, तो तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं करूंगा। बहुत बड़ी चीज है, याद आते ही कुछ और हो जाएगा। आज आपने सबने संकल्प किया, जो करते रहना कुछ दिन, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। किया सभी ने, ये याद आते ही सारी भविष्य की चिंताएं खत्म। मेरे साथ ही नहीं, जिनकी आपको चिंता होती है उनके लिए संकल्प कर दो, मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए भी सब कुछ अच्छा होगा। ऐसी बाबा की 25 पॉइंट्स नोट करनी है। बहुत सुंदर अनुभव होंगे, क्योंकि मन को व्यर्थ से मुक्त करना ये सहज काम नहीं है, बहुत बड़ा चैलेंज है। हम सबके लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि मन को व्यर्थ से मुक्त करो,
आपको भय लग रहा है, याद आ गया बाबा हजार जहां सही मेरे साथ है, मैं खत्म। आपको मरने से डर लग रहा है, ज्ञान होते भी कईयों को मरने से बहुत डर लगता है, याद आ गया मैं आत्मा तो मरती ही नहीं और मर भी गई तो जाएंगे कहां मर के, बाबा के पास आनंद ही आनंद है। तो ऐसी बातें सबको याद करनी है तो से अनुभव हो जाएंगे, कर लेंगे ना सर, अपना खजाना बना लो इसको। बहुत सुंदर नशे की बातें, स्वमान की बातें, स्वमान की प्रैक्टिस किस तरह करेंगे, जो बिल्कुल श्रेष्ठ पुरुषार्थी बनना चाहते हैं, अरे तो आपको प्यार है भैया, दौड़ा समो तो इधर तो सामने ऐसे कर लो, नहीं मेरी और मुख नहीं यही रखो और ऐसे कर दो, कर थोड़ा सा और कर दो, स्वमान की प्रैक्टिस कैसे करेंगे। एक बहुत सुंदर तरीका है सबके लिए, आप तो अपनी वीडियो के लिए कर रहे हैं ना, आपको चेहरा देखा, अरे मेरा चेहरा देख के क्या करेंगे। स्वमान आप सभी कम से कम बारह स्वमान लिखकर रखेंगे, कई सालों की हमने चर्चा कर ली है, लिखने फटाफट को लिखना चाहते हैं, मैं एक महान आत्मा हूँ, इशारों में लिख लो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं विघ्न विनाशक हूँ, मैं विजयी रतन हूँ, बस लीजिए इसका लिखो, मैं हूँ छोड़ दो, मैं विजयी रतन हूँ, मैं इष्ट देव हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, मैं पवित्रता की देवी हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, तीन चार शब्द है इसके लिए, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, और जिसको बहुत पावरफुल अनुभव करने हो, मैं पवित्रता का सूर्य हूँ, आत्मा सूर्य की तरह तेजो में चमक रही है, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ, मैं प्रकृति का मालिक हूँ, मैं पूर्वज हूँ, बाप समान हूँ, अब इन्हें कैसे प्रैक्टिस में लाना है, मैंने आपको संकल्प दिया, जो बहुत सुंदर अनुभूति चाहते हैं, जो अपने चित्त को शांत भी करना चाहते हैं और उसे बहुत महान विचारों से भरना भी चाहते हैं, दोनों चीजें जरूरी हैं। दुनिया में आज तक जो योग सिखाए लोगों ने वापरी से, उसमें एक ही लक्ष्य था, मन को पूरी तरह शांत जीरो कर लो, आजकल भी यही सिखाते हैं लोग, श्वासों पे ध्यान एकाग्र करो, मन शांत हो जाए, मन के विचारों पर ध्यान दो, तुम क्या सोच रहे हो उनको शांत करो, पर कोई भी ये नहीं सिखाता कि मन को शांत करने के साथ मन को महान संकल्पों से कैसे भरो, किसी के पास महान संकल्प है भी नहीं, केवल बारह न्यास पर हमने महान संकल्प किए हैं, तो देखो कैसे करेंगे, टीचर बहन अपनी अपनी क्लास में कराएगी कि दबाशाला वाले भी कराएं, पहला स्वमान लिखेंगे, अभी नहीं लिखेंगे, जो घर में काम करेंगे 10 मिनट देकर, मैं एक महान आत्मा हूँ, अभी आपने लिख लिया, अब इसे दो बार बहुत गहनता से पढ़ना है, ये सत्य है कि मैं एक महान
तीसरी बार फिर दो युग में देव कुल में व्यक्ति किए मैं महान हूं। चौथी बार फिर स्वयं भगवान ने कहा है तुम महान हो मैं महान हूं। समझ के क्या करना है ये अंदर चला जाए अंतर मन से रिजेक्ट न करते इसे बाहर ही फेंकते सब सब मैं हूं। 21 दिन ये लक्ष्य साथ कर ले जरा सोई हुई शक्तियां भी जग जाएंगी सोई हुई महत्ताएं जग जाएंगी छुपी हुई पवित्रता बाहर आ जाएगी सारे सद्गुण जीवन में सहज आने लगेंगे। 21 दिन करके देखो छोटा सा अनुभव बहुत बहुत साल पहले गुजरात से युवक मेरे पास आया कुमार वो कहा वो सीए था चार्टर्ड अकाउंटेंट। उसने कहा मेरे पास बहुत समस्याएं आ गई हैं मुझे एक घंटा चाहिए आपसे डिस्कस करना है। मैंने उसे कहा कि आज तो मेरे पास एक घंटा नहीं कल आप मिलना मेरे से और तब तक एक काम करके लाओ 50 सोनान के पॉइंट्स लिख के आना। वो अगले दिन आ गया 50 सोनान के पॉइंट लिखकर। मैंने पूछा अभी एक घंटा हमारे पास है बोलो आपकी क्या समस्या है। उसका उत्तर था क्या होगा मेरी कोई समस्या नहीं लगी। समस्या क्या है समस्याएं कुछ नहीं है कमजोर मन की रचना है। हम अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं तो छोटी बात हमें समस्या लगती है। और जो लोग लंबा समय व्यर्थ में रहे हैं जो निगेटिव विचारों में रहे हैं जिन्होंने पाप थोड़े ज्यादा कर दिए उनकी ये आंतरिक शक्तियां नष्ट हो गई हैं। इन्हें बनाना है। और मैं आज आपको ये भी कहूंगा सूक्ष्म पापों से बहुत बचना है। बहुत करते हैं लोग कलयुग के अंत में सबने किए हैं प्राणों में भी बहुत करते हैं। इसलिए बाबा को कहना पड़ा था ध्यान से सुन लो क्या कहना पड़ा था तुम्हें 63 जन्मों के विकर्म विनाश करने में समय नहीं लगता पर ब्राह्मण बनने के बाद जो सूक्ष्म विकर्म होते हैं उन्हें नष्ट करने में बहुत समय लगता है। दूसरों को कष्ट पहुंचाना दूसरों को कटु वचन बोलकर डिस्टर्ब कर देना टकराव में रहना अहंकार क्रोध में रहना मैंपन में रहना ये सूक्ष्म पाप कर्म कराते हैं। मैं से बहुत कठिनाई होती है पाप होते रहते हैं स्वार्थ बहुत पाप कराता है। और आजकल तो बहुत बढ़ रहा है कलयुग में दूसरों की संपत्ति हड़पने के लिए तंत्र मंत्र का प्रयोग कराते हैं। इसके डर मर जाए बच्चे मेरे बच्चों को सारी जमीन मिल जाए माताएं बहुत कर रहे हैं फिर मेरे पास फोन आते हैं माताएं बोला ना मामला आप नहीं कर रहे तो दुनिया में बहुत कर रहे हैं महापाप। मैं एक माता की सुंदर कहानी सुनाना चाहता हूँ महाराज की। मुझे भी उससे नशा चढ़ गया था कोई कोई हमें भी नशा चढ़ाने वाले मिलते हैं। कहा हम दो भाई उसका पति और जेठ वो जो बड़ा है वो बहुत तेज पड़ा मुझे कुछ सुनाई कहानी मेरा पति बहुत साधारण भोला हम सब ज्ञान में वो बड़े वाले नहीं उसको संपत्ति का लालच उसकी और उसकी पत्नी को उन्होंने शहर के बीच में जो बड़ी दुकान थी वो खुद ली हमें छोटी सी दुकान किनारे वाली दे दी। जो बड़ा घर था वो खुद लिया जो सिंपल बिल्कुल छोटा था वो हमें दिया। हम बाबा के बच्चों के से हमने संतोष किया पर हमारे बच्चे थोड़े बड़े हो गए थे और समझदार वो बड़े नाराज हुए वो गुस्सा करने लगे तुम क्यों ये कम ले रहे हो। मैंने उन्हें कैसे
से समझाया बच्चों को, सुनो एक साधारण माता की कहानी, कितनी सुंदर बात है। उसने कहा, मैंने अपने बच्चों को समझाया, पति तो पहले समझदार था, बोला जो चाहे ले जाने दो। मैंने अपने बच्चों को समझाया, उन्होंने संपत्ति का ही तो ज्यादा हिस्सा ले लिया, हमारे हिस्से में तो स्वयं भगवान है। नहीं लगी अच्छी बात? ऐसी समझदार माताएं। अब देखो क्या हुआ, 3 साल में इनकी किनारे की दुकान तेज चलने लगी, उनकी बीच की भी दुकान डल होने लगी। 3 साल में वो भी बन गए बैगर, उनके बन गए सौकार, और वो फिर आ गया। 3 साल में नहीं आया था, भाई ये परिस्थिति आ गई, मुझे मदद चाहिए, कर्ज दे दो, इसके बच्चे तो गर्म हो गए देखते, इसको निकालो यहाँ से। और देखो इनकी महानता, फिर ऐसी माताओं पे भगवान को गर्व है, ऐसी माताएं भारत की श्याम है, वही इस देवियां हैं। इसने कहा नहीं, कोई बात नहीं, उन्होंने अपना काम किया था, हमें तो बाबा ने बहुत कुछ दे दिया, दे लो जो मांगते हैं, दे दिया, का कर्ज नहीं, ले जाओ ऐसे ही हमारी ओर से मदद, आप हमारे बड़े भाई हो। ये मानता है विचार, जिसके पास विचारों का धन है उसके पास धन की कमी नहीं रहती। सही नोट कर ले, सभी अंडरलाइन करके नोट कर ले, जिसके पास ज्ञान धन बहुत है उसे स्थूल धन कमाने में मेहनत नहीं लगती। जो भी कमा रहे हैं सब ध्यान से सुन रहे हैं, ज्ञान धन बहुत है, स्थूल धन पीछे पीछे आएगा। और रोज सवेरे उठकर भूलना नहीं, मैं बहुत भाग्यवान हूं, बहुत गरीब बिल्कुल नहीं समझ लेना अपने को। माताएं तब की हैं या गरीब कोई बैठी है माता, तो कहो कोई गरीब माता बैठी हो, एक बैठी हो, दो और उठाओ हाथ में सौकार बनाए, 3 4 उठाओ उठाओ उठा, ऐसे कर लेती हूँ उठा के। कल से संकल्प करने लगो, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, बहुत धनवान हूँ। 5 5 बार उठते ही करना, सोते करना, दिन में करना। इस कमजोर संकल्प को मन मंदिर से बाहर फेंको, मैं गरीब हूँ। कुछ संकल्प निकालो अपने मन मंदिर से, मैं बहुत सुखी हूँ। ठीक है, जिन्होंने बाबा की छत्र छाया ले ली हो वो सुरक्षित भी रहेंगे, उन्हें सब कुछ मिलता भी रहेगा। देखो विनाशकाल आएगा, विनाशकाल कैसा होगा उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, वो बड़ा खतरनाक होगा। लेकिन लोग धन इकट्ठा करते हैं, मैं जब पहली बार विदेश में गया तो बहुत सारे विदेशियों ने कोई कोई अपने घर ले जाते थे, तो अपने घर में बहुत सारी पानी की बड़ी बोतलें खाली और पानी के खाली केन रखे हुए थे, समझो 50। मैंने पूछा ये क्यों रखे तो हैं यहाँ, फेंको ना, कि नहीं ना सोगा ना, हम इनमें पानी रखते रहते हैं। कई विदेशियों को ये भी बहुत नशा चढ़ता था कि जब विनाश होगा हम मधुबन में भाग रहे थे। मैं तो जानता हूँ ये तो बाबा अपने बच्चों को जरा शांत होना देने के लिए कहता है, भला करोड़ों लोग बाबू में कैसे भाग जाएंगे, रहेंगे कहाँ, पानी भी नहीं मिलेगा। सत्य क्या है, कई लोग पैसा इकट्ठा करते हैं कि पैसा बहुत काम आएगा, सबको पक्का समझ लेना चाहिए, ना धन काम आएगा ना जन काम आएगा,
बाबा और अपनी स्थिति। धनवानों को सबसे ज्यादा कष्ट होगा, उनका निश्चय भी डाउन होगा फटाफट। जिसने अपनी स्थिति अच्छी बनाई होगी वो सुरक्षित रहेंगे, सेफ रहेंगे, इतने वो मरेंगे नहीं। मरना तो सबको अगर जाना है, उनकी मृत्यु इच्छा मृत्यु होगी, बिना कष्ट के होगी। इसलिए ध्यान देना है बहुत स्थिति पर, सर्वशक्तियों पर, मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति पर। बहुत कह दिया था, जिनके पास आठों शक्तियां होंगी विनाश काल में उन्हें सब कुछ मिलता रहेगा। और जिनके पास शक्तियों की कमी होगी उन्हें उतना ही कम मिलेगा। बहुतों के साथ ऐसा होगा, नहाने गए पानी की टंकी खाली, और जो योगयुक्त है उनके साथ ऐसा होगा, पानी की टंकी खाली थी, नहाने गए पानी चालू हो गया। ये अंतर दिखाई देगा। जिनकी स्थिति खराब होगी वो जब सड़क पर जा रहे हैं सड़क फट जाएगी, अंदर चले जाएंगे। पर जिनकी स्थिति अच्छी होगी वो जब घर आ जाएंगे तब सड़क फटेगी। खूब दिखाई देगा, रोज चमत्कार होते रहेंगे कि जिन्होंने अपनी स्थिति बहुत अच्छी बनाई है उनका स्थिति का क्या प्रभाव पड़ रहा है चारों ओर। देखो एक बहुत सुंदर वैज्ञानिकों की रिसर्च आपके सामने है। वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छी रिसर्च की थी एक साल पहले। आप सब जानते हैं जब भूकंप होते हैं, बाढ़ आती है, तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च जो तीर्थ स्थान है वो काफी सुरक्षित रहते हैं। पीछे उत्तराखंड में बाढ़ आई थी ना बद्रीनाथ में, आपने सुना होगा पानी इतनी तेज बह रहा था कि सब कुछ नष्ट करता जा रहा था, लेकिन पानी के साथ बह के एक बहुत बड़ा पत्थर आ गया जो मंदिर के उस तरफ आके रुक गया, और वो पानी का बहाव जो था दोनों तरफ बढ़ के चलने लगा, मंदिर सेफ हो गया। बहुत अच्छा न्यूज था ये। तब तो वैज्ञानिकों को ये काम दिया गया कि क्या कारण है ये अच्छे स्थान पवित्र स्थान सुरक्षित रहते हैं। तो उन्होंने जो रिसर्च करके परिणाम दिया वो आप सब सुन लें, पढ़े लिखों को बहुत काम आएगा दूसरों को समझाने के लिए। उन्होंने बताया कि इन पवित्र स्थानों से पवित्र तरंगे फैलती है, चार बहुत फैलती रहती है, और जो विनाश की तरंगे, विनाश में भी तरंगे उठती हैं। आपने देखा होगा जब धरती हिलेगी भूकंप होते हैं तो भड़काहट होती है, तरंगे फैल जाती हैं। आप सबको पता है चूहे बिल से निकल कर भाग दौड़ करने लगते हैं, चींटियां बिल से निकल के बाहर आ जाती हैं, कुत्ते भी भाग दौड़ करने लगते हैं। देखा हमारे यहाँ बंदर बहुत हैं, उछल कूद करने लगते हैं, आवाज करने लगते हैं, ये विनाश की तरंगे चलने लगती हैं। तो उन्होंने निष्कर्ष किया कि ये पवित्र तरंगे जो पवित्र स्थानों से निकल रही हैं वो विनाश की आने वाली तरंगों को रोक कर वापिस भेज देती है। इसलिए ये पवित्र स्थान सुरक्षित रहते हैं। अब आप सोचो हम में से कोई ये आत्मा जो बहुत पवित्र है जिस स्थान पे होगी उसके पवित्र वाइब्रेशन विनाश के वाइब्रेशन को रोकते रहेंगे। तो एक पवित्र आत्मा हजारों लोगों के लिए छत्र छाया बन जाएंगी। क्लियर है ना? इसलिए महत्व स्थिति का है, न धन का, न जन का, न साधनों का, ये सब रखे रह जाएंगे। विज्ञान के बारे में बाबा ने बहुत सुंदर गहरी बात कही थी। ये विज्ञान धीरे धीरे रिफाइन होता जाएगा, रिफाइन परफेक्ट संपूर्ण होगा विज्ञान।
जब ये विज्ञान संपूर्ण होगा, पहले तो इस विज्ञान का प्रयोग ईश्वरीय सेवाओं में होगा, अब हो रहा है। जब ये विज्ञान संपूर्ण होगा तो ये संपूर्ण विज्ञान अपूर्ण संसार का विनाश करेगा, और जो संपूर्ण संसार आएगा उसके लिए काम करेगा। तो वैज्ञानिक यही कुछ विमान बनाकर लेके जाएंगे, जो कुछ शरीर में काम आने वाली चीजें हैं वैज्ञानिक खोज करके यही निर्माण करेंगे। तो ये बहुत सुंदर अवसर हमारे हाथ में है, जब हम योग की शक्ति भर कर स्वयं को महान बना लें और संसार के काम आ जाए। अब हमें फिर से बहुत अच्छा प्रयास करेंगे, 10 मिनट रोज सभी को अपने को देने हैं, अलग से निकालो, आत्मा के एक एक गुण की अनुभूति करें। कल भी किया था और फिर से चलें, शाम आत्मा पर एकाग्र करें। अपना स्वरूप बिल्कुल क्लियर दिखाई दे, देहे जैसे की है ही नहीं, मैं चमकती हुई तेजस्वी आत्मा प्रकृति की कुटिया मेरा मैं बहुत शांत हूँ, शांत। मुझसे चारों को शांति की किरणें चल रही हैं, किरणें चलती देखें। मैं शांत, मैं बहुत सुखी हूँ। बाबा को पाकर मैं आत्मा बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं संपूर्ण सुखी हूँ, ईश्वरीय सुखों से भरपूर हूँ। मैं प्रेम स्वरूप हूँ, बालक का प्यार पाकर मैं आत्मा निहार हो गई, उसके प्यार में मेरे सभी कष्ट चित्त में संसार की सभी आत्माओं के लिए बहुत प्यार है। मेरा चित्त प्रेम और सुख भावनाओं से भरा हुआ है। मैं परम पवित्र, पवित्रता की देवी हूँ, पवित्रता का परिष्ठा,
मुझसे चार गोल्ड पवित्रता की गोल्डन रही।